लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे रवि, इतनी रात को कहाँ जा रहा है ये? अरे आजकल इसका खून भी बहुत उबल रहा है बाप। सुनने में इसने बाजार में आज दुकानदारों से कुछ मारपीट भी की है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? देखता हूँ यार, फिर किसी के साथ मारपीट ना कर बैठे। बाबूजी की बहुत याद आ रही है। आज अगर बाबूजी जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। ये सब मेरी वजह से हुआ। रवि, नहीं रवि, मुझे माफ कर दो दीदी। मेरे पगले, इसका जिम्मेदार मैं हूं, मुझे माफ कर दो। झटपट लमलेट वाला चुहा मारने का जहर, चुहा मारने का जहर, दवा अंदर दम बाहर। भैया, एक शीशी चूहे मारने की दवा देना, इनकार मत करना। लो माँ जी, 2 रुपया। पर बच्चों की पहुंच से दूर रखना, इससे चूहा तो मरता ही है, आदमी भी मर सकता है। हाँ, 2 रुपया। झटपट लमलेट चूहा मारने का जहर। अरे मैं ये खाना कहाँ से लाई? दिया है किसी पहचान वाले ने, तू खा ले। देख रवि बेटे, तेरी मनपसंद गोभी भी है, आ। लेकिन ये सब कहाँ से लाई माँ? अरे तुझे खाना खाने से मतलब है कि नाम गिनाने से? माँ लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूँ? मैंने कोई चोरी की है कि जवाब दूँ? माए तो चोरी करके भी अपनी औलाद का पेट पालती है। लेकिन माँ, किसकी हिम्मत हुई बाप जी के हुक्मनामे के साथ टकराने की? आदमी है वो भी। किसका आदमी? अरे वही होगा, बाप जी का गुंडा और कौन। क्या माँ, तुम बाप जी के उस कुत्ते से हमारे लिए रोटी मांग कर लाई हो? रवि, मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं गई।
वो खुद आकर दे गया। और तुम ये भूल गई कि ये वही कमीना है माँ, ये वही कमीना है जो बाप जी के कहने पर हमें हमारे ही घर से बाहर निकाले। भूल गई मैं, क्योंकि मैं ये भुला ना सकी कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं ये भुला ना सकी कि तुम्हारे बाबूजी की आंखें दिन भर मेरा पीछा करती हैं, मुझसे जवाब मांगती हैं। ये भुला ना सकी मैं। माँ ऐसे करने से तो अच्छा था तुम हमें जहर ही दे देती। तू खाने के बदले जहर मांग रही है, वो जहर के बदले खाना दे गया ताकि आप भूखे ना मरे। भूखे मर जाएंगे माँ, मगर उस कमीने कुत्ते का एहसान नहीं खाएंगे। इसे कहाँ ले जा रहे हो? रुको बेटे, बेटे रुको, रुको। वो बाहर खड़ा है बेटे। ये तो और भी अच्छा हुआ माँ, जरा उसे भी पता लग जाए कि बाप जी के प्यादों के बारे में हमारा क्या ख्याल है। नहीं बेटा रवि, रुक जा। नहीं भी अपने भाई को भूखा मारना चाहती है? माँ मैं उसे भूख से मरता हुआ देख सकती हूँ, मगर शर्म और जिल्लत से मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब जिसने दिया है ना, ये मैं उसे वापस लौटाने जा रही हूँ। चादर बिछाओ बलमा सवरिया चादर। देख नरसिंह भाई, तुमको कुछ हो गया है? कसम से जब से बाबजी की हवेली से तू वापस आया है, ना दारू पीता है, ना बोलता है, ना कुछ बताता है। ए भाई, वो लड़की के घर का लफड़ा कुछ बढ़ तो नहीं गया? उन्हें शहर से निकालने के लिए बाबजी ने उनका राशन पानी बंद कर दिया है। अरे तो अपन को क्या, अपना कौन भूखा मरे? आ यार दारू पी। बाबजी शहर के हर नौजवान को अपनी दारू की भट्टी में झोंक देना चाहता है, और तुझे उसी दारू की पड़ी है। अरे तो अपने को क्या है यार, झोंक देवे, अपना कौन है चलने वाला? बाबजी शहर के नौजवानों को दंगे फसाद का हथियार बना देना चाहता है। अरे तो अपन को क्या है, अपना कौन मरने वाला है? अपन को क्या, अपन को क्या, अपन को क्या? अरे अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इस शहर के बारे में, इस शहर के नौजवानों के बारे में? कौन सोचेगा उसको जुड़ते हुए घर के बारे में? उसे चूहे खाके बिल्ली हज को चली। अरे शहर में पहली बार किसी पे जुल्म हो रहा है क्या? तू खुद उनके सामान फिकवाने के लिए हम लोगों को ले गया था, तब ने सोचा उजड़े हुए परिवार के बारे में? अरे तू दिन भर जुआ खेलता था, दंगा करता था, हाथ में तलवार लेके मारने भागता था, तब ने सोचा अपने शहर के बारे में? बाप जी की दारू पी के, बाप जी के पैसे खा के, बाप जी के लिए सारे पाप करता था, तब ने सोचा शहर के नौजवानों के बारे में? अरे छोड़ यार, असली बात क्या है मैं बताता हूँ। इसकी नीयत फिर गई उस लड़की पे। देख भाई, हम ठहरे फुटपाती लोग, ये घर भर बसाना अपना काम नहीं है, और तू उस लड़की पे इतना दीवाना हो गया है कि बाबजी से पंगा ले रहा है, पागल हो गया है? पागल तुम लोग हो गए हो, ये सब उस लड़की के लिए नहीं है। मेरी आंखें खुल गई हैं। हाँ तो बता ना अचानक कौन सी नींद से जागा है तू? हाँ बता ना। हाँ बोल बोल। तुम जानना चाहते हो तो सुनो, इस शहर के किसी कोने में मेरा भी एक घर था, मेरे अपनों का घर, एक भरा पूरा परिवार, मेरी मां जिसे काम करता देखकर थकान भी थककर सो जाती थी, गहरी से गहरी नींद में भी मेरी खांसी की आवाज सुनकर वो जाग जाती थी। घुटने की चोट हो या कमीज की उधड़ी हुई सिलाई, मां की आंखों से कुछ भी छुपना नामुमकिन था। मेरे पिताजी, जिनके चश्मे का नंबर मेरे लिए सपने देखते देखते बढ़ता रहा, जिनके पसीने की एक एक बूंद दिए की लौ बनकर मेरी किताबों पर रोशनी करती रही,
और कभी कभी खुशी के आंसू बनकर मेरे सोते हुए चेहरे पर चुपके से टपक जाती थी। मेरी दीदी जो जितना मुझसे लड़ती थी उससे ज्यादा मेरे लिए लड़ती थी, मेरे लिए पतंगे लूटती थी और राखी के पैसों में गोलमाल करने पर मेरी गुल्लक में दिन दहाड़े डाका भी डालती थी और अपनी शादी तय होने पर वो 3 दिन तक मुझसे लिपट कर रोती रही। जीजा जी जिन्हें मेरी पसंद मुझसे ज्यादा मालूम थी और मुझे उनके, दहेज का 1 पैसा नहीं लिया था उन्होंने और दीदी की विदाई पर हम सबसे ज्यादा वो रोए थे। मेरी छोटी बहन जो बहन कम गुड़िया ज्यादा थी, जिससे सारा घर खेलता था, जिसके दुपट्टे में छेद देखने से पहले बस सारी दुनिया को आग लगा सकता था, मुझे वो दिन अभी तक याद है जब दीदी और जीजा जी छोटू का मुंडन करवाने घर आए थे। सब तैयारियां करके मैं शुभ मुहूर्त निकलवाने पंडित जी के घर पहुंचा। उनसे बात कर ही रहा था कि एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। सुनो सुनो भाइयों सुनो, वो बजरंगपुरा और मोमिनपुरा के लोगों के बीच दंगा छिड़ गया है, आग लगी है, कुछ गुंडे बदमाश हमारी तरफ तलवारें सलाखें और लाठियां लेकर इसी तरफ आ रहे हैं, चलो भागो। अरे मैं लुट गया, अरे मैं चलो, इससे पहले कि दंगा और भड़क जाए हमें यह शहर छोड़ देना है, जल्दी चलो। इस शहर में दवाई का ऑर्डर लेने आया था, इसी गाड़ी से वापस जाना था, स्टेशन बंद है, अगर आप कोई गेस्ट हाउस या कोई लॉज बता सके जहां मुझे रात गुजारनी है, और कोई पोस्ट ऑफिस। यहां से सीढ़ियां उतरते ही दाएं मुड़ जाना, 6-7 घर छोड़ते ही पोस्ट ऑफिस मिलेगा और उसी के साथ में गेस्ट हाउस भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Yeah!
मेरा क्या कसूर था? मैं किसका क्या बिगाड़ा था? माँ!